नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। लोकसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल युवाओं को टारगेट कर रहा है। युवा यानी जोश, उमंग, उत्साह और भविष्य। लेकिन युवाओं को ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां उनके साथ ठगी कर रही हैं, उनको दिए गए वचन तोड़े जा रहे हैं। चुनाव के समय हर राजनीतिक पार्टी केवल युवाओं को सज बाग दिखाती है और उनके लिए कुछ करती नहीं है। बेरोजगारी जैसी समस्या से युवाओं को हमेशा दो चार होना पड़ा है और युवाओं की एक बहुत लंबी फौज कार्यकुशल ना होने के कारण हीनता की भावना से ग्रसित है। ना वो व्यवसाय कर सकते हैं और ना ही उन्हें नौकरी मिल सकती है। ऐसे में युवा ना तो कांग्रेस से खुश है और ना ही बीजेपी से। इन दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रति युवाओं को मिली जुली प्रतिक्रिया है। कोई बीजेपी के किसी काम से खुश है तो किसी काम से नाराज, कोई कांग्रेस के किसी काम से खुश है तो किसी काम से नाराज। इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश के रीवा लोकसभा क्षेत्र के युवाओं से गुड मॉर्निंग टीवी के लिए हमने युवा साथियों से लोकसभा चुनाव और मुद्दों को लेकर बात की। आइए देखते हैं क्या कहा युवाओं ने। मोदी जी के कार्यकाल से मैं संतुष्ट हूँ पूर्ण रूपेण। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे तो मोदी जी की जो योजनाएं थी, जो उनका कार्यकाल था, वह सराहनीय है। बट अगर हम बात करते हैं अपने क्षेत्र में, जो कि जहाँ से हमारे यहाँ से सांसद चुने गए, वह पूरी तरह से स्लीपी जैसे थे। उनका कोई भी योगदान नहीं रहा है, ना तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ना तो उनकी कोई योजनाएं थी। जो कि सारी योजनाएं लाई गई हैं जमीनी स्तर से, उसको लगाया जाना चाहिए था, तो कोई ऐसा हुआ नहीं है। फिर भी हमारा व्यक्तिगत मानना ये है कि हमारे पास अपोजिशन में जो लीडर हैं, तो हम अगर कंपेयर करते हैं मोदी जी और राहुल जी को, तो राहुल जी मोदी जी के कंपेयर में कहीं से कहीं तक नहीं दिखते हैं। जिस वजह से मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि एक बार फिर से मोदी जी को मौका दिया जाना चाहिए। और मोदी जी ने ऐसी उम्मीदें जगाई हैं, हो सकता है यह बेफिजूल भी हो सकती हैं, बट ऐसा लग रहा है कि देश प्रगति कर रहा है। तो हमारा व्यक्तिगत यही मानना है कि एक बार मोदी जी को फिर से मौका देना चाहिए और बाकी फिर सबका अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। रीवा से एक युवा प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जनार्दन मिश्रा जी की सांसद थे और बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो आपको रीवा के स्तर पर क्या लगता है कि पिछले 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा सांसद जी का और अब क्या करना चाहिए? सांसद जी का कार्यकाल तो कहीं से कहीं तक दिखा नहीं कि क्या क्या व्यवस्थाएं थी, कैसा क्या किया गया। बाकी अगर माना जाए सिद्धार्थ तिवारी जी को, जिन्होंने कांग्रेस ने इनको प्रत्याशी बना के लाया है, तो हो सकता है एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है, बट यूथ का ऐसा मानना है कि एक बार उनको मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि व्यक्ति विशेष को वोट जाना चाहिए, पार्टी विशेष से इतना विशेष मतलब नहीं होना चाहिए। तो एक बार एक मौका दिया जाना चाहिए सिद्धार्थ तिवारी को, क्योंकि वो युवा हैं तो युवा को आगे लेके बढ़ेंगे। और बाकी अगर कंपेयर किया जाए जनार्दन मिश्रा से, तो जनार्दन मिश्रा का कोई ऐसा व्यक्तिगत रहा नहीं है, ना तो उन्होंने कोई सा ऐसा यूथ के लिए कुछ किया है। तो जिस वजह से अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों में से, तो फिर सिद्धार्थ तिवारी को जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 5 साल का जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का, उसमें सिर्फ हवाई किले बने हुए हैं। एक उम्मीद जगी थी कि बहुत कुछ होने वाला है और कुछ हद तक हुआ भी है, लेकिन जैसी फिल्म दिखाई गई थी उस तरह का कुछ देखने को मिला नहीं है। तो 5 साल का कार्यकाल ये रहा। और रही बात अगर हम लोकल रीवा की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं जनार्दन मिश्र जी, वो पूरी तरह से उदासीन थे और उदासीन हैं भी अभी, चूँकि विधानसभा में 8 सीटें जीत गई बीजेपी, फिर से उन्हें दोहराया गया है, फिर से उन्हें टिकट दे दिया गया है, लेकिन वो उसी तरह उदासीन है। मोदी लहर में फिर भी जीत जाएंगे, लेकिन विकास कार्य की अगर बात की जाए, रीवा को प्रतिनिधित्व करने की बात की जाए, तो उसमें पूरी तरह से विफल रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और मोदी जी की बात अगर करें, तो मोदी जी बहुत अच्छा एक प्लान लेके आए थे इंडिया के लिए, इंडिया को बहुत ऊपर ले जाना चाहते थे, लेकिन उसमें कार्य रूप में परिणित करने के लिए असफल रहे हैं अभी तक। हाँ, एक और मेरा मानना है कि कोई भी सरकार है, उसको 2 पंचवर्षीय मिलनी चाहिए। 2 पंचवर्षीय में ही आप पूरी तरह से योजना बनाएंगे और उसको मूर्त रूप दे पाते हैं। अगर आप 5 साल में चले जाते हैं तो शायद उतना अच्छा काम नहीं हो पाता है। इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मानते हैं, युवाओं को लेकर या फिर हर वर्ग को लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, जो माहौल बनाया गया वो तो राष्ट्रीय सुरक्षा का और देशभक्ति जगा दी गई है। ऐसा कि जिससे पहले देशभक्ति नहीं हुआ करते थे देश में, और हर एक मुद्दे को देशभक्ति से जोड़कर देखा जा गया है। बेरोजगारी की बात लोग करते हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, पर उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी हुई बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। हाँ, अब अगर सरकार के ऊपर बात करें, तो सरकार अगर जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो इसमें भी सरकार का दोष है। सरकार असफल हो रही है इस तरह के प्रयास करने में, योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन उसका प्रभाव जो है तो नहीं दिख पा रहा है, जो जमीनी तौर पर देखा जाए तो। या तो आप सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, अब रिसोर्सेज तो हमारे पास फिक्स हैं,
अब आप बढ़ते चले जा रहे हैं तो कैसे सबको दिया जा सकता है? बेरोजगारी बेशक बढ़ेगी, उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो कोई, आप एक तरफ से एक भीड़ आती चली जा रही है, रिसोर्सेज आपके पास फिक्स है, तो सरकार या तो भीड़ को रोके या तो रिसोर्सेज बढ़ाए। असफलता सरकार की कही जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। विपक्ष को लेकर, कांग्रेस विपक्ष पार्टी रही है, उसको लेकर आपका क्या क्या सोच है, आपकी क्या मानते हैं? विपक्ष की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी की, जब से देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई है तब से विपक्ष में कांग्रेस ही रही है, कांग्रेस ने ही देश को चलाया है। हम जब बड़े हुए हमने देखा कांग्रेस के पास सत्ता थी, कांग्रेस के पास शक्ति थी, कांग्रेस के पास बड़े बड़े शिक्षाविद थे हर क्षेत्र के, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, लेकिन उनका सही सही पूरा यूटिलाइजेशन देश के विकास के लिए नहीं किया गया है। और ऐसा कहना चाहिए कि बस वो उस संसद में पहुंच गए हैं और उसका भोग किए हैं, जहां हमें होना चाहिए वहां हम नहीं हैं। इसके लिए पूरा के पूरा दोष कांग्रेस पार्टी में जाता है, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों पर जाता है। बीजेपी के लिए मैं यही कहूँगा कि 5 साल के लिए अभी 2014 में मोदी जी आए हैं और एक अच्छा माहौल बनाया है उन्होंने, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है देश में, हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन एक आशा जग रही है हमारे पास। कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है इस कार्य के लिए। हाँ, एक चीज और है, राहुल गांधी के लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी बात पहुंचा सकते हैं, राहुल गांधी अभी तक अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए या कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए ही पूरी तरह से सही साबित करने में विफल हो चुके हैं। या तो वो है नहीं, या तो वो अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से देश को बता नहीं पा रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप विपक्ष में हैं, आप सरकार का दोषारोपण करने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी शक्तियों को इकट्ठा कीजिए और उस शक्तियों को देश को बताइए कि हम फिर से एक बार पुरानी जो गलतियां हैं उसको स्वीकार कीजिए। देखिए, एक तरफ से आप नकार नहीं सकते, आपने देश को भ्रष्ट किया है, ऊंचाई में ले जाने का जितनी तेजी से हम ऊंचे ऊपर जा सकते थे उसमें कहीं ना कहीं आपने व्यवधान पैदा किया है, तो वो स्वीकार्यता लीजिए, वो आपको देश के सामने स्वीकार करना पड़ेगा। साफ मन से फिर से आइए, अपनी शक्तियों को देश को बताइए कि हम देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, जैसा हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी का सपना था 2020 में विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उस सपने को आगे बढ़ने के लिए एक बार फिर से देश को भरोसे मिलाइए कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा और निश्चल मन से पूरे साफ तरीके से एक बार भरोसा जीतना पड़ेगा देश का, ये आपको करना पड़ेगा, ना कि आप विपक्ष में दोषारोपण करें। कोई अच्छा कदम पार्टी उठा रही है, कोई आपकी सरकार उठा रही है, कोई अच्छा कदम देश के हित के लिए उठा रही है, तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क मत बनिए, आप उसका सपोर्ट कीजिए। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही, आगे की अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।